सबसे पहला हमने वेबसाइट बता दी आपको, कौन कौन से वेबसाइट आपको कवर करेंगे। मैक्सिमम सभी वेबसाइट्स को हम लोग कोशिश करेंगे, पर उसके लिए आपके पास आईडी पासवर्ड होना चाहिए और आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम वहां पे आपको जरूर हेल्प करेंगे, ऐसा हम लोगों ने बताया। पर हम लोग यहाँ पे ई प्रोक्योरमेंट को जरूर कवर करेंगे, जैसे कि टेंडर महाराष्ट्र हो या इंडियन ऑयल हो, MES हो या PMGSY हो या फिर CPP पोर्टल हो, और ऐसे बहुत सारे वेबसाइट जहाँ पे आप टेंडर भरना चाहते हो, डॉकयार्ड वगैरह है, तो यहाँ पे कहीं पर भी आप टेंडर भरना चाहते हो, या फिर बहुत सारे स्टेट के, UP, MP, दिल्ली, ऐसे हर एक स्टेट के अपने अपने वेबसाइट है। जैसे अभी दिल्ली प्रोक्योरमेंट देखिए, इनके वेबसाइट सेम है ऐसा ही, तो ऐसे हर एक स्टेट के वेबसाइट, ये भी हम लोगों का साथ में कवर होगा, क्योंकि इसके सभी पोर्टल एक जैसे हैं, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। तो हमने यदि एक पोर्टल में सीख लिया तो हम सभी पोर्टल में टेंडर भर सकते हैं, सभी के प्रोसीजर सेम है। तो ये पोर्टल्स में कवर क्या क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला ये कवर करेंगे ऑनलाइन बिडर रिलीज। जैसे कि आपको कभी भी टेंडर भरना है इस वेबसाइट में, यदि आपको टेंडर भरना है या कोई भी वेबसाइट में आपको टेंडर भरना है, मान लीजिए CPP में टेंडर भरना है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट टेंडर नहीं भर सकते, है ना। कोई भी पोर्टल जहां पर भी, या इंडियन रेलवे में भरना है, MIDC में भरना है या बिहारी प्रोपर में भरना है, तो यहाँ पे आपको कोई भी डायरेक्ट आप टेंडर नहीं भर सकते। आपको यहाँ पे टेंडर भरना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेंडर का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब आपको खुद का एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जहां से आपको उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, किसको क्या बोलते हैं, ऑनलाइन बिडर इनरोलमेंट। पर जैसे कि दूसरे वेबसाइट देखेंगे, यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, देखिए इसको बोल रहे हैं वेंडर रजिस्ट्रेशन। ऐसे थोड़े नाम आपको अलग अलग मिल सकते हैं, पर सब कुछ सिस्टम वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे शायद और कुछ बोल दे, यहाँ पे वेंडर रजिस्टर्ड वेंडर नहीं, यहाँ पे आपको न्यू यूजर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को लिए क्या बोल रहा है, न्यू यूजर। तो ऐसे आपको थोड़े नाम्स वगैरह अलग अलग मिलेंगे, पर चीज वही है, वही डेटा डालना है, वैसा ही करना है, थोड़ा बहुत आपको अलग रहेगा। ऐसे आपको टेंडर भरते वक्त भी थोड़े नाम वगैरह अलग अलग मिलेंगे। तो इसी तरीके से आप हर एक जगह पे, आपको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना सिखाएंगे, जो बिडर इनरोलमेंट बोलते हैं। बिडर इनरोलमेंट हो गया तो पहले उसके बाद जनरेट और फॉरगेट पासवर्ड, यदि आप फॉरगेट जनरेट नहीं किए पासवर्ड तो कैसे जनरेट करेंगे, या पासवर्ड भूल गए तो उसको फॉरगेट करके रिसेट कैसे कर सकते। नोडल ऑफिसर क्या है, नोडल ऑफिसर के बारे में जानेंगे, फाइंड माय नोडल ऑफिसर, हम लोग नोडल ऑफिसर के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे। उसके बाद टेंडर का सेटिंग, टेंडर भरने के लिए जो सेटिंग लगता है, टेंडर के लिए सेटिंग जावा, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला में भी आप टेंडर भर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, तो मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी चीजों का हम लोग यहाँ पे सेटिंग देखेंगे। सबसे पहला टेंडर भरने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेटिंग, ये सभी ब्राउजर में हम टेंडर कैसे भरेंगे, उनके लिए सेटिंग क्या करना है, ये सभी सेटिंग्स को हम लोग। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में, और डिजिटल सिग्नेचर का पूरा सेटअप और उनका सेटिंग, डिजिटल सिग्नेचर का पूरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बनाने का प्रोसेस नहीं देखेंगे, पर डिजिटल सिग्नेचर का आगे का, बनने के बाद का पूरा प्रोसीजर को देखेंगे, वो टेंडर में कैसे काम करता है, ये सब। आपका एक बार आईडी बन गया, जैसे ये मेरा आईडी बन गया, उसके बाद उसको DSC से मैप करना पड़ता है, आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है इस पोर्टल को आपके आईडी पासवर्ड के साथ मैप करना पड़ता है, मतलब लिंक बोलते हैं, लिंक करना पड़ता है। तो उसको मैपिंग का प्रोसेस कैसा होता है, मैप करके दिखाऊंगा मैं आपको, जिससे आपका वो मैपिंग का प्रोसीजर हो जाएगा, लिंक कैसे करें, ये आपका इसी पार्ट में कवर हो जाएगा। तो ये सभी चीजें हमारा पहला बेसिक पार्ट होगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा आएंगे टेंडर को सर्च करने का, टेंडर को अलग अलग तरीके से कैसे सर्च कर सकते हैं, यहाँ से सर्च कर सकते हैं, यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाइज सर्च कर सकते हैं, लोकेशन वाइज सर्च कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके से टेंडर को कैसे हम लोग सर्च कर सकते हैं, सर्च करने का प्रॉपर प्रोसेस। बहुत सारे टेंडर में बहुत सारी चीजें चेंजेस होते हैं, कुछ टेंडर मिलता नहीं है, तो नहीं मिलने का वजह जानेंगे, क्यों नहीं मिलता है ऐसा टेंडर, और यदि नहीं मिल रहा है तो उसको कहाँ ढूंढेंगे ताकि वो टेंडर मिल जाए। तो ऐसे हम लोग हर एक टेंडर के सर्च करने के रिगार्डिंग हर एक टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक बार टेंडर मिल गया तो टेंडर के लिए क्या करना पड़ता है, आपको टेंडर मिलने के बाद टेंडर को प्रॉपर वे से स्टडी करना पड़ता है, ताकि टेंडर में क्या क्या लिखा हुआ है। टेंडर स्टडी मतलब ये बेसिक डिटेल्स क्या होता है, पेमेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, कवर्स क्या है, ये सभी चीजें हम लोग एक एक करके, टेंडर फीस, EMD, वर्क आइटम डिटेल्स और क्रिटिकल डेट्स, टेंडर के डॉक्यूमेंट्स, ये सभी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे, इसमें क्या क्या ये सब बोला गया है।
उसके बाद हम लोग टेंडर को स्टडी करेंगे, इसके डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे और टेंडर नोटिस डाउनलोड करेंगे और इसमें देखेंगे इस टेंडर में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहा है, टेंडर भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहा है, वो डॉक्यूमेंट्स कैसे ढूंढेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, कैसे पता चलेगा और वो किस फॉर्मेट में बनाना है और कैसे बनाना है, ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे। इसके बाद हमारा आगे का प्रोसीजर होगा, जैसे हम लोगों ने टेंडर के डॉक्यूमेंट्स बना लिए तो फिर हम लोग लॉग इन करेंगे और जिसके डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो टेंडर हम लोग भर के देखेंगे। टेंडर हम लोग दो टेंडर भरेंगे, एक ऑफलाइन पेमेंट का जिसमें ऑफलाइन पेमेंट मेथड से कैसे टेंडर भरते हैं और ऑनलाइन ऑनलाइन का, ऐसे दो टेंडर भरेंगे। जैसे ये टेंडर में ऑफलाइन पेमेंट मेथड है, पेमेंट कैसा है ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, देखो इसमें टेंडर फीस 0-0 है। तो ऐसे टेंडर को आप कैसे भरेंगे, ऑफलाइन वाले टेंडर कैसे भरेंगे और ऑनलाइन पेमेंट वाले टेंडर कैसे भरोगे, तो हम लोग इसको दोनों प्रोसीजर्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ऑनलाइन टेंडर को भी और ऑफलाइन। ऑनलाइन में हम पूरा पेमेंट भर के आपको प्रॉपर प्रोसेस से टेंडर भरना आपको दिखाएंगे। टेंडर भरने के बाद टेंडर में क्या होता है, जैसे विड्रॉल कर सकते हो या टेंडर को फिर से रीसबमिट कर सकते हो। कब तक कर सकते हो, टेंडर के लास्ट डेट से पहले। ये टेंडर का जैसे लास्ट डेट है, कभी लास्ट डेट है टेंडर डाउनलोड सेल इन डेट 21 अप्रैल, तो आपने टेंडर को यदि 18 तारीख को भर दिया या 19 को भर दिया तो आप 21 को वो टेंडर 21 को 12 बजे से पहले वो टेंडर को फिर से भर सकते हो, रीसबमिट कर सकते हो। आपको डॉक्यूमेंट्स बदलना है या टेंडर के डेट वगैरह चेंजेस करने तो वो कैसे करेंगे, वो सभी चीजें हम लोग यहाँ देखेंगे। उसके बाद टेंडर ओपन होगा, ओपन करते वक्त आप अपने कॉम्पिटिटर का नाम, मतलब आपके साथ जो लोगों ने टेंडर भरा है उनके नाम कैसे पता चलेगा, उनका डॉक्यूमेंट्स कैसे देखने को मिलेगा, बाकी आपके कॉम्पिटिटर ने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड किया, ये सभी चीजें हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। बाद में सबके रेट, आपके कॉम्पिटिटर ने किसने क्या क्या रेट में टेंडर भरा, और फिर प्रोफाइल, आपके प्रोफाइल में कैसे एडिट कर सकते हो, मोबाइल नंबर कैसे बदलना है, ईमेल आईडी कैसे बदलना है, जीएसटी नंबर कैसे डालना है, ये सभी चीजें हम लोग प्रोफाइल के बाद में देखेंगे, ये हमारा पार्ट होगा। और साथ में हम लोग थोड़ा ई ऑक्शन के बारे में भी बात करेंगे। ई ऑक्शन का एक बेसिक पार्ट रहेगा, ज्यादा तो नहीं रहेगा, पर एक ई ऑक्शन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, इस पोर्टल के बारे में जहाँ पे ऑक्शन होता है बोली बोलते हैं, यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन वगैरह है, ये सब इस पोर्टल के बारे में भी हमारा एक छोटा डिस्कशन रहेगा। और इसके साथ हम लोग सॉफ्टवेयर्स बताएंगे, जैसे कि पीडीएफ साइनर होता है, बहुत सारे टेंडर में क्या बोला जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली साइन करो। डॉक्यूमेंट्स को कैसे कर साइन करो, डिजिटली, जैसे कि अभी आपको मिलता होगा, देखो आप यदि जीएसटी सर्टिफिकेट या गवर्नमेंट के कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं तो वहां पे अभी मैनुअली साइन नहीं रहता, डिजिटली साइन रहता है। तो ऐसे टेंडर के डॉक्यूमेंट्स में भी बोलता है कि डिजिटली साइन करके आपको अपलोड करना है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स में डिजिटली साइन कैसे करेंगे और उसका सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, तो सॉफ्टवेयर भी आपको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। और वो सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, डिजिटली साइन होता कैसे है और वो ग्रीन टिक आता कैसे, ये सभी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ में पीडीएफ प्रोफेशनल बोल के एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत आपके काम की चीज है, टेंडर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए आपको काफी हेल्प करेगा, जैसे कि पीडीएफ टू वर्ड, पीडीएफ टू एक्सेल, दो पीडीएफ को मर्ज करना, आपका हर एक डॉक्यूमेंट्स में, जैसे बहुत सारे लोग हमें ये पूछते हैं, मैक्सिमम बहुत सारे लोगों का एक क्वेरी आया कि टेंडर के डॉक्यूमेंट्स है और उसमें मुझे साइन करना है, तो हर डॉक्यूमेंट्स में मैं सॉफ्ट कॉपी में प्रिंट निकाल के साइन करना आज के डेट में टफ हो जाता है, तो मैंने साइन करके एक सॉफ्ट कॉपी डाल दिया है मेरे सिस्टम पे और वो सॉफ्ट कॉपी से वो हर एक पेज पे डाल दो, तो ऐसे भी आप सिग्नेचर कैसे करोगे, पेज नंबर कैसे डालोगे, टेंडर का पेज नंबर, जैसे 3 नंबर में पेज में आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको दूसरे नंबर पेज पे चाहिए, तो आप अपने पेज नंबर को चेंज कैसे करोगे, डॉक्यूमेंट्स को इधर से उधर शिफ्ट कैसे करोगे। और साथ में यदि आपको उसमें टेंडर में कुछ लिखना है हेडर फुटर में, तो हेडर फुटर में लिखने का प्रोसेस, ये सभी चीजें वो सॉफ्टवेयर अकेले खुद इतना सभी काम कर लेता है, तो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, उसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कैसा है, वो सभी चीजें हमारे क्लास में कवर हो। तो ये हमारा पूरा सिलेबस का पार्ट। बोलिए, किसी को सिलेबस के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।